नमस्कार, एच डेटा से मैं रोशनी दुबे। अभी मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी हूँ। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है सीबीआई ने कल सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व ड्राइवर से पूछताछ की और आज उनके दूसरे ड्राइवर अनिल को भी यहाँ पे बुलाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ मूवीज के टाइम ना ही कोई ड्रग्स लिया करते थे और ना ही ड्रग्स के नशे में पाए जाते थे। क्या करते थे वाटर स्विमिंग पार्क पे? वहाँ जाके स्विमिंग जीविंग और अपना टेनिस वेनिस खेलते थे, एकदम एक्टिव थे। तो ऐसा तो नहीं कोई ड्रग की पार्टी होती थी? नहीं, सुसाइड के ना करने के लिए प्रेरित करता है, वो आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता। सारा अली खान और उनके बीच में रिश्ता कैसा था? अच्छा था, वो लोग अच्छे से रहते थे। क्या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे? शायद छिछोरा का शूट चालू था तो वो एकदम एक्टिव थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे, पूरी मेहनत करते थे और अपने आप को फिट रखते थे। ऐसा बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर अनिल अभी गेस्ट हाउस से बाहर आए और उनसे हम लोग ने सवाल किए तो बोले ना ही सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड कर सकते हैं और ना ही वो कभी ये सुसाइड के बारे में भी सोच सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। सुशांत सिंह ना ड्रग्स लेते थे ना ही डिप्रेशन में थे और केदारनाथ के समय सारा अली खान सुशांत सिंह के घर पे जाती थी और सुशांत सिंह सारा अली खान के घर पे आते थे। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। उनके अनुसार शायद तक सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लोगों के नाम आए हैं सेलिब्रिटीज के, उन लोगों का संबंध नेक्स्ट वीक में कब तक जारी किया जा सकता है? अभी आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। सर 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 उनके बारे में सभी सर उनके बारे में कुछ बताया है? रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर करमजीत को कर लिया गया है गिरफ्तार। रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी में से दो सेलिब्रिटी सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम लिया गया है और उनको कभी भी सम्मन भेजा जा सकता है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौभिक चक्रवर्ती ने एनसीबी ऑफिसर से कहा, मेरी बहन कभी नहीं देती थी ड्रग्स में पैसे। और उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा देते थे सारे पैसे ड्रग्स मामले में। मैं राजभवन के सामने खड़ा हूँ, कुछ ही देर में यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत जी आने वाली है। कंगना रनावत यहाँ पे कुछ ही टाइम में मौजूद हो जाएगी। देखिए कंगना रनावत जी आ चुकी है। कंगना रनावत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाली है और वो राज्यपाल से मुलाकात करके अपने दफ्तर बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के बारे में भी बातें करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में दिन पे दिन गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र पर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं उसी तरह कंगना रनौत के होम टाउन में भी संजय रावत के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। पूरा हिमाचल अपने कंगना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एच डेटा से मैं रोशनी दुबे।